मंगेशकर जी ने भी गाना गाया तो उसमें हीरो का जिक्र नहीं था, कोई जाट सिख कोई मराठा का जिक्र था कि कोई हीर रेजिमेंट नहीं। सरकारी राजनीति को समाजी को हम कहेंगे कि भाई आप हमारी आवाज बुलंद कीजिए, दिल्ली के तख्त तक हमारी आवाज ले जाइए, और हम अगर आप जो हमारे साथ नहीं आएगा तो फिर जो हमारे लोकतंत्र में जो हमारे हक दिया वोट का, फिर हम वोट का उसी हिसाब से। नमस्कार, मैं रमाकांत उपाध्याय नव समाचार गुड़गांव से। आज आई रेजिमेंट को लेकर फिर द्वारा से खिड़की दोला टोल टैक्स पर महापंचायत का आयोजन हुआ। इसमें 40 संगठनों ने आज भाग लिया है और दूर दूर से आए हैं, दक्षिण हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से और राजस्थान से भी लोग यहाँ पर आई, लोगों की उपस्थिति दर्ज कराई गई है। आइए हम बात करते हैं कुछ यहाँ पर हमें हमारे साथ में जुड़े हैं। हम पहले जानना चाहेंगे आपका नाम। राव अजीत जी हमारे साथ में। राव अजीत जी से हम पूछना चाहते हैं इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि 23 रेजिमेंट ऑलरेडी पहले से चल रही है और आप बार बार यहाँ पर धंधा हो चुका है, आवश्यकता है आपको बार बार करना पड़ता है, आप देखिए मैदान जंग में लड़ती है नाम नमक निशान के आदि किसी चीज के लिए, और हम जो है सदियों से इस देश के इस धर्म के मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए लड़ते हुए आए। दुनिया के इतिहास की पहली आजादीगत रेजिमेंट महाभारत में लड़ने वाली नारायण सेना थी, और आज 21वीं सदी में ऐसा क्या आ गया कि इस कौम को कोई भी कंधे पे नाम देने की तैयार नहीं है। आप देखिए चाहे वो तैमूर लगाए जो नादिर शाह हो, हमारा इलाका मेरी कौम खड़ी होगी हथियार लेकर दिन राष्ट्र रक्षा की, मानवीय मूल्यों की रक्षा की, कौम की रक्षा की, और अपने हिस्से से ज्यादा हमने इनकी सरदारी में पूरा इलाका पूरी कौम तिरंगे के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है, और नसीब की मिट्टी को हमने अपने खून से रंग दिया। तिरंगियों ने हमारी देशभक्ति को देखते हुए हमारा हल खरी खींच लिया, हल का मतलब हमारी जमीने ले ली, हमारा हथियार ले लिया, यानी हमारी जो फौजी नष्ट करने का उन्होंने कोशिश की, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन आजाद हुआ हमें सोचा अब हमारी कौम के साथ न्याय है। और फिर जब 1947 में चीज बड़गाम का मोर्चा हो, जी 1962 में रेजांगला का मोर्चा हो, जी 1965 में आपका हाजीपीर की जंग हो, हमने हर युद्ध के अंदर देश के लिए हम रावल में लड़े, हमने एक ही प्रण लिया हमारे जो बुजुर्गों ने हमारे सैनिकों ने की, विजय या वीर गति, लेकिन देश के सम्मान से हम समझौता नहीं। और आज हालत यह आ गई कि जब गीत गाए जा रहे हैं, आप ये देखिए ऐ मेरे वतन के लोगों जो गीत है वो हमारी 1962 की लड़ाई के ऊपर बना था, और वो वीर अहिरों की बोलती थी जिसने आखिरी गोली तक लड़ाई लड़ी थी, लेकिन जब गीत गाए गए तो हम नदारद हो, न गीतों में गाए जा रहे हैं और न गमों में रोए जा रहे हैं। हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? ठीक है हम फिरंगी के खिलाफ लड़े, हमें न्याय की उम्मीद थी, पर आज जब आजाद मुल्क है तो ये देश की पहली कौम है, मैं कह रहा हूँ इस दुनिया की पहली कौम है जो ये मांग रही है कि हमारे को देश के मर मिटने का हक दो। ये डोकलाम है, मैं कह रहा हूँ हमारे छोर तैयार कर, हम चीनियों को रगड़ देंगे डोकलाम में, गलवान हम गलवान में चीनियों की जेब में डाल के ले आपको लगता है वर्तमान में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी आपकी बात को रखेंगे या सुनेंगे या फिर आपको ये प्रोत्साहन दी जाएगी बना के दी जाएंगे आपको? देखिए ये एक मजबूत सरकार और इसमें बड़े अहम और बड़े फैसले लिए जैसे कि भारत गढ़वाल को हटाना, चीन के बॉर्डर पर कब्जा हो गया है, आप कह रहे बड़े अहम फैसले? नहीं नहीं, चीन के पहले फौज के मनोबल को आज की फौज के मनोबल को देखो, आंख से आंख मिला के चीनियों से बात कर रहे हैं तो कैसे घुसे कहाँ घुसे? सरकार से जो रेजांगला का जो मोर्चा है वो कभी हमारे कब्जे में, आज हमारे कब्जे में है, हमारे जवानों ने वहाँ बिल्कुल मुकाबला करके उनको पीछे धकेल दिया है। पहले हम लोग ऐसा होता नहीं था, अब आप देखो डोकलाम के अंदर बिल्कुल आंख से आंख मिला के हमारा फौजी बात कर रहा है और हमारी फौज का मनोबल बहुत ऊंचा है। अच्छा चलिए फौजी की बात करते हैं, फौज देश के लिए सबके देश कहना है सेवा
होनी चाहिए, अच्छी बात है। बल्कि वर्तमान में किसान भी आनंद में बैठा हुआ है, पंचायत हुई, काम भी हुआ, उसको लेके आप कुछ कहना चाहेंगे या उनका आपको मिला? सब अपने नेताओं को, हमारी जो सत्ता रही थी राजनीति को, सामाजिक को, हम कहेंगे कि भाई आप हमारी आवाज बुलंद कीजिए, हमारी आवाज ले जाइए। और हम अगर आप जो हमारे साथ नहीं आएगा तो फिर जो हमारे लोकतंत्र में जो हमें हक दिया वोट का, फिर हम वोट का उसी हिसाब से। इसी क्षेत्र से राव इंद्रजीत सांसद है और बड़ा है, आप भी जानते हैं, हम जानते हैं, जानते हैं, लेकिन उन्होंने कभी इसके लिए मान नहीं रखी। देखिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते, एक चीज कहना चाहूँ, जो जंतर मंतर पे जब अहिर रेजिमेंट के लिए धरना हुआ तो आज तक के इतिहास में वे पहले यादव नेता थे जो समर्थन के लिए सत्ता में रहते हुए भी जंतर मंतर पे हाजिर हो गए थे। तो हम उनको कैसे हो गए? हाँ ठीक है, जितनी कोशिश करनी चाहिए सबको उतनी नहीं हुई हो, लेकिन हम ये इल्जाम नहीं कह सकते कि भाई वो आए नहीं। वो मिश्री गांव में थे, उन्होंने समर्थन किया था, फिर वो परिक्कर साहब से मिलकर सुनते थे, राजा साहब उन्होंने ये बात उठाई है, पर हम उम्मीद करते हैं कि और ताकत से ये मांग उठे। तो इसमें आज जो महापंचायत हुई है इसमें 40 संगठनों ने भाग लिया है, इसमें आपको लगता है ये इस बार सफल रहेगी और आप लंबी लड़ाई लड़ पाएंगे? आपकी क्या इसमें व्यवस्था है बताएंगे आप? देखिए आप लंबी लड़ाई के लिए ये पंचायत पहली नहीं है, क्योंकि आप जो है आप एनसीआर में है तो आज ये इसको इतना तवज्जो मिल गया। ये जो पंचायतों का स्वभावों का दौर है ये बहुत सालों से 2021 की पहली पंचायत 2018 में हुई थी विफल रही, नहीं 2018 में वो जो है एक सांकेतिक भूख हड़ताल थी, भाई ये भी एक मुद्दा है, इसकी तरफ ध्यान दीजिए, कोई छोटा है ना बड़ा है, तो ये जो है उसी परंपरा को उस को आगे बढ़ाने के लिए, इस मुहिम के लिए वो एनसीआर की ये पंचायत है। लेकिन ऐसी पंचायत गांव के आदमी हर क्षेत्र में, आप चाहे एमपी हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे गुजरात हो, हरियाणा राजस्थान सब लोग करती है, क्योंकि वो छोटे छोटे गाँव और ढाणियों में हो रही है, इसलिए शायद आपकी नजर में वो नहीं गई हो। लेकिन ये जो जन जागरण का दौर है, ये मांग को आगे बढ़ाने का जो है ये चल रहा है। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से ये द्वारा से ट्रेंड सा चल गया है कि बच्चे भी और महिलाएं भी भाग ले रही हैं आंदोलनों में, तो क्या अहिर रेजिमेंट के लिए क्या माँ बहनें और बच्चे भी घर से आएंगे आप लोगों को संग देने के लिए? देखिए हमारी आधी जनसंख्या तो मात्र समय होगा, तो मैं जो है जननी है, जो पहला मेरे गुरु है, वो अगर शामिल होगी तो हम सब कैसे चलेंगे? तो ये माए भी हमारी मातृशक्ति जुड़ रही है। और दूसरी बात है, बात बच्चों की कह रहे हैं, तो एक कहावत है जिस और जवानी चलती है उस और जवाना चलता है, अरे ये पंचायत का आयोजन ही जवानों ने किया। हमारे जैसे लोग तो अपने नैतिक जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी की यहाँ इस का आयोजन शक्ति है वो तो युवा शक्ति है। तो अब हमारी जो मातृशक्ति और हमारी युवा शक्ति वो दोनों आगे बढ़ के, बल्कि इस मुहिम को लीड वही कर रहे हैं, इस मुहिम को लीड ही हमारी युवा कर रहा है। तो जब हमारी तरुणाई जागती है तो हमारी जवानी तो भाई सब कुछ हासिल करेगी। जब हम बॉर्डर पे देश के लिए खून बहा सकते हैं तो ये मुद्दा भी हम हासिल कर रहे हैं। अहिरों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे कि ज्यादा बल्क में है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे? देखिए मेरी कौम, मैं कहना चाहता हूँ, देश पे मर मिटने वाली कौम, हम इस मुल्क के सच्चे बेटे हैं। और जब भी मैं कह रहा हूँ, पहले तो मौके आए थी, आ जाए और चीज आ गया है, हम अरावल में लड़ेंगे, मैं जरूर बैठक टूट आ गया हूँ, लेकिन अगर आज भी अगर डोकलाम में चढ़ना पड़ा तो हम आएंगे और मारेंगे, मारेंगे बैठी को, देश की आन बान शान के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे, और पहला शीश मेरी कौम का होगा। आपको लगता है कि आपके शांति प्रिय से, या आप लोगों ने जो पंचायत बनाई है जगह जगह आप अनशन पर या जो भी करेंगे, क्या इससे सरकार झुकेगी और आपकी बात सुनेगी, लगता है आपको? मुझे एक जिम्मेदारी दी, सरकार को झुकाना क्यों? हम तो सरकार को बताना है कि मैं देश के सच्चे बेटे रेजिमेंट मांग रहे हैं, नाम नमक मिसाने के लिए कंधे पे नाम मांग रहे हैं, हमने झुकाना नहीं सर, वो तो आप पहले से ही मांग रहे हो, नहीं तो आगे इसको लोकतंत्र से और बढ़ाएंगे। अगर सरकार को, जब तक हम पूरी हमारी पता नहीं चलेगी कि भाई पीछे लोकतांत्रिक रूप में कितनी ताकत है, इसमें मुहिम के पीछे कितने लोग इसको चाहते हैं, कितने दिलों में रेजिमेंट का समझ रहा है, तो अब बिल्कुल सरकार सुनेगी। और ये तो एक मजबूत सरकार है, तगड़े फैसले लेने वाली सरकार है, जो सरकार 370 को हटा सकती है, जिसको मैंने सपने में नहीं सोचा था, तो इस सरकार से बिल्कुल हम उम्मीद है भाई ये करेंगे।
हम ये नहीं करेंगे तो भाई कोई ना कोई आएगा लाल लोकतांत्रिक रूप से, हम कहेंगे भाई देश के सच्चे बेटे अपने नाम नाम पहचान के लिए कंधे पे नाम आए। आज कोई ऐसा आपने पंचायत में बात करने के अंदर कि आप ये भाई तेज बहादुर को बुलाया और ये भाई सच्चर सिंह यादव और बाबू लालचंद यादव जी के साथ अपनी टीम के साथ गए। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ और इनकी टीम का भी धन्यवाद करता हूँ। हमारी जो राजनीतिक सरकारी है लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि भाई अब जो है हमारे मुद्दे सड़क नाली गरीब वम्बे बिजली ये भी अब कौम का एक ही मुद्दा है अपने और ये मान सम्मान का मुद्दा के लिए और भी इस मुद्दे के प्रति आप नहीं करता। और हम तो सीधा कह रहे हैं जो कौम का नहीं है किसी का। जिस तरीके से आज यहाँ सभा हमारे साथ में इस क्षेत्र के राव साहब जुड़े हुए थे हीरो को लेकर, इनके अंदर भी अभी भी वही भावना है। वो उन्होंने बताया कि जब महाभारत का युद्ध हुआ उस समय जो सेना छप्पर आज भी है, आज जिसमें जो 20 करोड़ के सैनिक है 27 करोड़ आज भी अहिरों का है। तो सरकार से अपनी मांग रखेंगे और सरकार को बताना चाहते हैं कि हमें आवश्यकता है अहिर बेसमैन की और ये बहुत जल्दी बननी चाहिए। इन्होंने भी अपनी सब व्यवस्थाएं जहाँ पंचायत में मीटिंग में कर ली है, खाने के प्रबंधन से लेकर महिलाओं से लेकर बच्चों तक अभी तो हालात में यहाँ आसपास कुछ दिख नहीं रहा है। उनका भी ये कोई डिसाइड प्लान नहीं हुआ है कि ये कहाँ पर बैठेंगे और क्या करेंगे। अहिर रेजिमेंट के लिए जो मांग की थी सरकार से वो पूरा नहीं हो पाया, या ये भी कह सकते हैं वो विफल रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अहिरों में एक अपना रुतबा होता है और वो अपने आप को किसी से कम नहीं समझते हैं, तो शायद उनमें एकता नहीं बन पाई थी। इस कारण बस ये 2018 में टूट गया। इन्होंने दोबारा से टैक्स पर अहिर रेजिमेंट की मांग के लिए सरकार से, और यहाँ पर इनका पहला दिन है और यह किसकी अध्यक्षता में किया जाएगा अभी ऐसा कुछ खास नहीं है इसके अंदर। हम बात करते हैं विजय यादव से जो कि सुकोपुर के रहने वाले हैं और ये खुद भी अहिर है और इसको बताएंगे इसमें आगे की क्या प्लानिंग है, हमसे जानते हैं। विजय जी मुझे बताइए आप लोगों का प्लान हुआ है और आगे क्या कौन विधायक आए हैं, कौन सी पार्टी को आया है, या क्या सब एक्स का मतलब क्या है, इसका थोड़ा गहराई से सोचो। हो सकता है गलत भी हो किसी को गलत लगने की बात, इसको गहराई से सोचो तो क्या हमारे समाज में पंचायत में ऐसे औकात है कि हम समाज में पंचायत हमारे हरियाणा से राजस्थान से संभव है नहीं है बहिष्कार करना सीखो, समाज स्टैंड करना सीखो। सरपंच ने कह दिया तो सरपंच की बात कहने मान हम इस फील्ड को इस आंदोलन को हम आगे कैसे बढ़ाए सबके हैं ताकि सब कोई कहीं ना कहीं सरकार में समाज करना से हम दबाव और इसमें कोई दोहरा ही नहीं भाई, हमारी तरफ ये लड़ाई हुई थी तो एक आप इंटर लीजिए तो हमारे ज्ञापन लेने आए थे इसमें कोई दोहरा। विजय जी मुझे बताइए 2018 में नुमान लोगों ने यहाँ पर सांसद को क्या मिला हुआ हुए थे, जाता ये जो कमेटी बनेगी ना यूथ से भी आए थे कुछ से भी आए थे और वो आवाज हमारी सरकार तक गई और उसके बाद हमने देखा ये कई सांसदों ने संसद में आवाज भी उठाई और 26 करोड़ है उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए 26 करोड़ बीच में काफी जनजागरण चलाया, बीच में लॉकडाउन आ गया था कोरोना की वजह से इसको काफी समय के लिए जनजागरण रुक गया। आज इस अहिर रेजिमेंट की लड़की दौला महापंचायत से उस जनजागरण को उन्हें आरंभ किया गया है और अभी जनजागरण गांव गांव तक जाएगा और जल्द ही हम जिस तरह से आज एक किसान आंदोलन हो रहा है ये जो बात हम एक जबरदस्त ये आंदोलन करेंगे सरकार लाख रुपए अपने जेब में कम तक रख के किसान आंदोलन ने तो अपने खुद अपने घर से राशन पानी लेके आए उनकी अपने आप में खुद तैयारी है, उसको लेके क्या आप आपका कोई ऐसी व्यवस्था है जो आप टिक पाएंगे इतने दिन तक, जैसे भाई ना पड़ो देखा होगा राकेश ने कहे खान पीन की जिम्मेदारी मेरी है जिसमें 60-62 लोगों की कमेटी बनाई गई है मौजूद लोगों की वो तो आगे की रणनीति बनेगी, 60 आदमी बैठ के जनजागरण आदमी बैठ के कमेटी ही राशन का पानी का या यहाँ रहने की जो आगे मुहिम चलेगी उसके बाहर से लोग आएंगे देश भर से लोग आएंगे। बहुत अच्छी बात है रहने की आपके विचार को मीटिंग होगी तो किसान आंदोलन अपने अपने पर इन 62 आदमियों ने हर घर से देश को पानी कर्नाटक में जाके उनके जो यादव की संस्था चल रही है उनको ये कह के आना भाई थर भाड़ को ऊपर बंद मारो
मजबूती और एकता के बल पर ठहरेंगे और तब तक ठहरेंगे जब तक सत्ता हमारी बात को मान लेगी। हमने भी भाई हमारे साथ आई रेजिमेंट के ही एक सदस्य और उमेद जी हमारे साथ में है। हम उमेद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप बताइए बात जहाँ पर आ जाती है एकता, तो क्या आई रेजिमेंट अहिर लोगों में क्या इतनी एकता है कि आप लोग सबसे पहले तो वोट सबसे बड़ी बात है, एकता की बात कर रहे हैं। जब तक उसको एहसास नहीं हमारे यहाँ पर, जो आपने कमेटी को गठित किया 2018 में, जो आमरण अनशन किया था उनके नेतृत्व में, इसी के नेतृत्व में अध्यक्षता में आज जो पंचायत की गई है, इसके बाद एक राष्ट्रव्यापी पंचायत होगी। ये कमेटी पूरे देश में क्या अंतर राष्ट्रीय स्तर की पंचायत होगी। विदेश में भी जो भी आता है सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी तरह से हम एकजुट करेंगे यादवों को, राष्ट्रीय स्तर की पंचायत और धरना प्रदर्शन यहाँ पे करेंगे। किसानों की तरफ से किसानों ने किया हुआ है, खाना पीना रहने की व्यवस्था यहाँ पर होगी, चाहे एक साल तक हमें धरने पर बैठना है। एकजुटता के लिए माहौल बनाने की जरूरत होती है, यादवों को इकट्ठा करने के लिए माहौल बनाया जाएगा, यहाँ पर रहने की खाने की व्यवस्था की जाएगी। चाहे एक साल तक हमें बैठना पड़े, जब तक कहीं रेजिमेंट का काम होगा तब तक कहीं यहाँ से उठाएंगे। आज यहाँ पर विजय भाई आप लोगों ने रणनीति तैयार की है, तो क्या किसानों की तरह इसमें भी बच्चे और महिलाएं भाग लेंगे? जब समाज की बात आती है उसमें जेंडर विषय नहीं है, उसमें बच्चे भी आएंगे, बुजुर्ग भी आएंगे, नौजवान भी आएंगे और हमारे माता बहनें भी आएंगे। सभी एकजुट होकर हम इस संघर्ष को, इस लड़ाई को लड़ेंगे। उमेद जी, यहाँ लगता है यहाँ पर ना सरकार ने कोई शौचालय की व्यवस्था है ना कुछ है, यहाँ पर चारों तरफ सारा खाली खाली पड़ा हुआ है। मैं आपको कैमरा के माध्यम से दिखा सकता हूँ, चारों तरफ कहीं कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर फिर महिलाओं के प्रबंध और किस तरीके से बच्चों की व्यवस्थाएं और यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर, अभी तो स्कूल भी खुल गए तो बच्चों को पढ़ाई भी आ गई है सामने, तो उनको लेके कैसे सब कुछ आप हैंडल करोगे? वो राकेश टिकैत जी और बात सरकार के थोड़ा सा ठीक जाएंगे, जब सारे काम हो जाएंगे, यहाँ पर पूरा समाज बैठेगा, सरकारी व्यवस्था कराएगी, मेडिकल सुविधा भी सरकार देगी और सुविधा भी सरकार देगी, बाकी समाधान कमेटी करेगी, खाने पीने की व्यवस्था रहने की व्यवस्था कमेटी करेगी। अभी यहाँ पर बात चल रही थी, मैं भाषणबाजी में सुन रहा था कि यहाँ इस मंच को राजनीतिक मंच नहीं बनाएंगे। पिछली बार ऐसा हुआ कि जो राजनेता आते थे और अहिर लोग अपने चहेते के गले में जाकर माला डाल देते थे, क्या इस प्रकार से इस बार लोग अपने पैसे से अपनी जेब से सवाल खर्च करके और इस अहिर के लिए आप आए हो? कुछ राजनीतिक इंद्रजीत कहते हैं, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, भाई साहब अभी बोल रहे थे कि ना तो हरियोड़ा आया ना चित्तौड़ आया, ऐसा नहीं होने देंगे। सबसे पहला तो हरियोड़ा सांसद मैं रहे हो, दूसरा रमेश राव पायलट रहे हो, तीसरा मुकेश कापड़िया चरण सिंह कापड़िया जी का अगला प्रतिनिधि रहे हो, और भाई सारा कोई कोई और रहेगा, नाम रहे वो चमचागिरी के लिए आए वो स्वीकार। महाराज राव जी तो राव इंद्रजीत स्वागत है, समस्या यही तो है वो आती नहीं है, समस्या यहाँ है कि वो आज किसी धरने प्रदर्शन नहीं आए, ना उन्होंने आज तक संसद में ये मांग उठाई है, वरना उनके पास 2018 में भी जब अनशन चल रहा था एक बहुत बड़ा मौका था, जब पूरे देश भर में जब मैसेज गया था ही रेजिमेंट के मांग को लेकर खिड़की दो, वो संसद में आवाज उठा सकते थे पर उन्होंने इस मांग की संसद में आवाज नहीं उठाई, उसके लिए वो दोषी भी है और अब की बार भी हम उनसे ही कहेंगे कि संसद में आवाज उठाए, अगर वो नहीं उठाते हैं तो फिर हम 2024 के चुनाव में उनको सबक सुनाएंगे। और भाई मेरा भी उसमें नाम है, जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उन्होंने। अभी तक का मेरा सबसे अहम प्रश्न आपसे पूछने जा रहा हूँ, आप बताइए क्या आवश्यकता पड़ेगी रेजिमेंट की? देश भर में कई रेजिमेंट है, तो किसी नेता का दिया लगभग जातियों से कुछ क्षेत्रों सब अपनी दम पे भागते हैं, इसलिए सबसे विनती है भाई, भाई बोलने लग रहा तो उनका बीच में चार आदमी खड़ा है, भाई मैं
हमारे भी जो स्वाभिमान रेजिमेंट है वो होनी चाहिए। दूसरा एक मिनट ये रेजिमेंट सिर्फ हमारे हमारे नौजवान जो राजनीति करो। तो यहाँ पर जो राजनीति की जब बात आती है खड़े हो रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि जब राजनीति क्या मुझे नहीं लगता कि अहिर इस चीज को लंबे समय तक चला पाएंगे, जैसे कि आपने कहा कि एक साल तक चलेगा, तो पाएंगे इस तरीके से आप क्या कहोगे? मेरा आपसे प्रश्न ये है कि इस तरीके से फूट चल रही है, जब राजनीति की जब बात आ जाती है तो कहीं ना कहीं अहिरों में एक दूसरा बंदा खड़ा हो जाता है इस मीटिंग में जब चल रही है पीछे, तो क्या इस प्रकार से लंबे समय तक चल पाएगा ये? क्या और 600 आदमी बनाओ और हर काम जाए जाए के ना जाता था नहीं खाप ऐतरा मजबूत हो छह महीना के भीतर किसान आंदोलन में बड़ी और फिर किधर बैठो और फिर लाठी 40 लोगों की सदस्य हाई रेजिमेंट वाली लाठी के ऊपर जब झंडो ला के वो जो अपना पागलन है ऐसा सबको समझ जुट से। तो यहां ये विचार से फूट नहीं कह सकता, हम सब एक हैं, मजबूत है, पूरी ताकत से लड़ाई को लड़ रहे हैं। भाषण में जोश है, उत्साह है, पीछे उसे आप फूट का नाम मत दीजिए। चलिए हमारे साथ विजय भाई और अमित जी थे, उन्होंने बताया कि हमारे अहिर रेजिमेंट के अंदर एकता है और जोश और जुनून है, हम लोग इस लड़ाई को जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे, अपनी मांग को पूरा करेंगे और इसे संसद तक पहुंचाएंगे। जो वर्तमान में इस क्षेत्र के सांसद है उन्होंने अभी तक इस रेजिमेंट के लिए कुछ नहीं कर पाया, ऐसा विजय का आरोप था। BSF के जवान तेज बहादुर जो अहिर क्षेत्र को बिलोंग करते हैं और अहिर में ही पैदा हुए और जो महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं हमारे बीच में हैं। आज यहाँ पर रेगुलर टोल टैक्स पर जो अहिर रेजिमेंट का जो धरना चल रहा है आज पहला दिन है, इन्होंने भी भाग लिया है। हम उनसे जानेंगे कि इन्हें यहाँ तक आने के लिए क्या इसकी आवश्यकता पड़ी और ये क्यों आना चाहते हैं। हालांकि मैं ये बड़े चर्चित व्यक्ति हैं, बनारस में जब चुनाव हुआ 2019 का उसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को टक्कर देने के लिए, हरियाणा में CM को टक्कर देने के लिए उतरते रहते हैं, ये अपने आप में चर्चित व्यक्ति हैं। आइए हम इन्हें फिर जानेंगे कि ये कितना इसमें जोश और जुनून दे पाएंगे जो इन्होंने आर्मी में सीखा है। पीछे खड़ा हो जाए, पीछे जाके संगठनों के सरपंच और विधायक भी तो खड़ा छूती है, आपको भी इसमें कोई जिम्मेदारी दी गई है? वो भी तो खड़ा है, वो भी तो खड़ा हो जाए। 2018 में भी तेज बहादुर इसी जगह पर हुआ था और ये टूट गया, वो सफल नहीं हो पाया। तो आप जानते हैं कि आप तो सरकार से लड़ते रहे हैं और लड़ते भी रहते हैं, तो मुझे बताइए जब इसमें भी सरकार जब आपको यहाँ से अपने ताकत के दम पर आपको अपने शासन के दम पर लगता है उसके लिए आपका कोई प्लान है लंबे समय तक चलने के लिए? सब एक ऐसे करके ही रूपरेखा बनेगी, पूरा माहौल बनेगा, सोशल मीडिया पे पूरी यानी छा दो, हर दिन दो पोस्ट चार पोस्ट चालीस करोड़ और जितना भी है सब जाकर पांच करोड़ सारा ने एकत्रित कर एक 23 करोड़ अगर भी जागरूक कर पाए और उसके अंदर कोई गलती में तो माफी चाहता हूँ, बोलने में खोजी आदमी जो खोजी पिछड़ा है जो सत को लेने में रहना जाए। जय हिंद, जय भारत।
आप तो जवान भी हैं और मुझे इस बात को बताइए, आपने नौकरी भी की है फोर्स के अंदर में, तो इसमें क्या ऐसी आवश्यकता है? क्या ये 23 रेजिमेंट ऑलरेडी बने हुए हैं, क्या उनसे काम नहीं चल सकता क्या? देखिए ये मामला सीधे सीधे आरक्षण का है। रेजिमेंट जाति के नाम पे भर्ती होती है, अदरवाइज आपने देखा होगा लेकिन यहाँ पर जाति के नाम का अगर जाट रेजिमेंट में तो एक जाट रिटायर होगा उसके लिए राजपूत में राजपूत रिटायर होगा तो राजपूत भर्ती हमारा कोटा नहीं जातिगत, तो हम अपना हक मांग रहे हैं संख्या में सबसे ज्यादा। तो क्या अभी तक ऐसा नहीं होता हमारे समाज के अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं? हमारे युवा योद्धा लड़ाई उसी चीज की है और सबसे बड़ा साधुवाद हमारे सारे इस चीज की हम लड़ाई भाई विकास और उनकी पूरी टीम जो हर वर्ष का हमारा प्योर हमारी सिर्फ जाति का 4,500 हमारा सालाना कोटा बनता है। हमारे बहुत लंबे लिस्ट रही वक्ताओं की, बहुत विस्तार से बातें रखी। तो इसमें आज 40 संगठनों के यहाँ पर नेता उपस्थित हुए हैं, बहुत लंबे समय से अलग अलग लोगों ने बहुत मेहनत संघर्ष किया है। अब क्या रणनीति आगे की और भी कैसे मतलब कब से आप लोग अपनी मांग के लिए? कुछ भी नहीं है, ये समुद्र के अंदर एक पानी की बूंद है, जहाँ जा सकेंगे बहुत लंबे समय से पूरे हिंदुस्तान में विचार विमर्श करेंगे। हमारा यादव समाज इसकी लड़ाई लड़ रहा है, उसमें सिर्फ जो इस कमेटी में जो सदस्य हैं डॉक्टर सतीश यादव जी बैठे हमारे हरियाणा यादव महासभा के अंदर, मैं भाई के साथ पिछले 15 साल से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, भाई विजेंद्र यादव यदुवंशी सभा के, हमें टीसी राव जी थे वो लड़ाई लंबी लड़ते हैं, राव मान सिंह जी है, राव अजीत सिंह, डॉक्टर ईश्वर सिंह जी के साथ बहुत लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। जिनके हम नाम ले तमाम बॉर्डरों पर चल रहा है, तो क्या आप भी किसान के बेटे नहीं हो, आप वहाँ गए नहीं अभी तक, आप कहीं भी खुशियों में नहीं आए इस बार, इसके पीछे क्या राज है? देखिए आप ये तीनों व्यक्ति को दे सकते हमारी अभी भी युवा पीढ़ी को हमारे कौम को नहीं पता कि हमारी इस बिरादरी इस कौम का कितनी बड़ी ऐतिहासिक सैनिक परंपरा रही है, शाजापुर के अंदर उसकी बलिदान की बहुत बड़ी विरासत रही है। शाजापुर बॉर्डर पर करने का काम हम पाने, अरे जिस कौम ने आजादी से पहले एक विक्टोरिया क्रॉस, दो चार क्रॉस, चार मिलिट्री क्रॉस, आजादी के बाद एक परमवीर चक्र, किसान आंदोलन से आपको चार महावीर चक्र, 29वीं चक्र, किसान आंदोलन से आपको सीखने को मिला, कुछ सेना मेडल हासिल किया हो मिला कि आजादी वो कौम आज आई रेजिमेंट के लिए मांग कर रही है वो सामने देखने को। अरे इस कौम की तो बहुत पहले रेजिमेंट होनी चाहिए थी, लेकिन उसका कारण बहुत सारे वक्ताओं ने बताया, मेरे हिसाब से मेरा वो थी हमारी देशभक्ति, लड़ोगे आप वहाँ से ये चीजें सीखे हैं वो लोगों ने। अरे अहिर कौम का तो भगवान कृष्ण के जमाने से महाभारत में नारायणी सेना उसका एक बहुत बड़ा रुतबा था, बहुत से राज्य ऐसे होते थे जहाँ सेनापति के पद अहिरों के लिए आरक्षित होते थे, उन्होंने अरेंजमेंट और समुद्रगुप्त को रोकने वाले, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे देश में जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई तो उस समय हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी थी और हमें कितने परेशानियों का सामना करना पड़ा था, आज हम उसी के साथ को उसी कंसेप्ट को लेकर आज अहिर रेजिमेंट की लड़ाई भी लड़ेंगे और जीतेंगे भी, पत्रकार को छुड़ाएंगे और अपनी मांग को पूरा करेंगे। मैं रमाकांत उपाध्याय नव समाचार। धन्यवाद।